चूंकि मटर एक बार पानी गिरने के कारण काफी संख्या में काफी रकम किसानों का खराब हो गया, इससे किसान परेशान है। और जहां तक मंडी की व्यवस्था की बात करें तो मंडी के जितने भी अधिकारी हैं सारे निकम्मे हैं, सारे निकम्मेपन, जो अपने निकम्मेपन का अब मटर के सीजन में वो अपना निकम्मापन दिखा रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ मंडी गेट से लेके ITI तक जाम लगता है, इसका पूर्ण जिम्मेदार मंडी का सचिव है, जो आज तक अभी तक हम लोग ने 2 साल हो गए और उसकी शकल नहीं देखी कि हमारा सचिव कौन है। आप मंडी का मटर का सीजन शुरू हो गया कम से कम डेढ़ से दो महीने हो गए हैं, एक भी बार वो व्यवस्था देखने सचिव आए नहीं हैं, सचिव साहब एक भी बार व्यवस्था देखने नहीं आए। 20 रुपये बोरा अगर यहाँ से दूसरी मंडी में, किसी दूसरे प्रदेश की मंडी में, जबलपुर कृषि उपज मंडी का मटर जाता है तो 20 रुपये पर बोरा के हिसाब से वो लेते हैं मंडी गेट पे, नहीं टैक्स, वो टैक्स लेते हैं गेट पास के नाम पे। लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे अगर आप देखो तो यहाँ से मंडी गेट से लेके ITI तक जाम लगा रहता है, उससे किसान सही समय पे मंडी पहुँच नहीं पाता। अगर वो सही समय पे पहुँच जाए तो सही समय पे उसका मटर सही रेट पे बिक जाए। इसका पूर्ण जिम्मेदार जबलपुर का यातायात प्रशासन और मंडी प्रशासन है, और बहुत हद तक नगर निगम प्रशासन। एक भी गार्ड नहीं है यहाँ पे, एक भी गार्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे अगर आप मंडी का रजिस्टर देखेंगे, मंडी का रजिस्टर देखेंगे उसमें कम से कम 100 से 150 गार्ड हैं, लेकिन एक गार्ड भी नहीं है। सारा पैसा कहाँ जा रहा है, इसका जवाब सचिव उसको देना चाहिए। सचिव साहब एक भी दिन यहाँ व्यवस्था देखने नहीं आए, 8-8 दिन तक यहाँ झाड़ू नहीं लगती, 8-8 दिन तक यहाँ सफाई नहीं होती है, 8-8 दिन सफाई नहीं होती है, आए दिन झगड़ा की स्थिति बनती है, किसी गाड़ी ने किसी गाड़ी वाले को ठोक दिया, उसका नुकसान हो, वापस में जाओ उनके केबिन में जाओ,